देखिए शौचालय की हालत आप देख सकते हैं, शौचालय की परिस्थिति आप देखिए किस तरह से ये शौचालय भरा हुआ है और क्या यहाँ पे पूरा हालात है, सिचुएशन है। 30 सालों से हमारे यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी का राज है। बहुजन विकास अघाड़ी आप खुद देखिए, यहाँ के नगर सेवक भी बहुजन विकास अघाड़ी के ही हैं, आप देखिए ये क्या हालत है। और बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष जो कि हमेशा मूक दर्शक रहता है, उस विपक्ष की क्या बात कही जाए अभी इस समय। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ वसई वाबड़ा के आदिवासी पाड़ा में। ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है, ये वसई नवगर एच प्रभाग में आता है और यहाँ पर मैं आया हूँ आपको यहाँ के सार्वजनिक शौचालय की हालत दिखाने, किस तरह की यहाँ के सार्वजनिक शौचालय में परिस्थितियाँ हैं वो आपको दिखाने आया हूँ। ये आदिवासी पाड़ा है, यहाँ पर आप देखिए मैं शौचालय के पास में हूँ और किस तरह से शौचालय भरे हुए हैं मैं आपको अभी। ये देखिए शौचालय की हालत आप देख सकते हैं, शौचालय की परिस्थिति आप देखिए किस तरह से ये शौचालय भरा हुआ है और क्या यहाँ पे पूरा हालात है, सिचुएशन है। नल कनेक्शन है, नल नहीं है, नल लगे हुए नहीं है, नल की टोटियाँ गायब है, पानी नहीं है टंकी में, पानी गायब है और एक नहीं बाकी के शौचालय की भी यही परिस्थिति है। ये शौचालय है, यहाँ के हालात आप देखिए। अब किस तरह से यहाँ की जनता इनको इस्तेमाल करती होगी ये आप अंदाज लगा सकते हैं। इन शौचालय में एक दो शौचालय नहीं, सभी शौचालय इसी तरह से भरे हुए हैं। वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच अंतर्गत ये आता है, इस पर लिखा हुआ है महानगर पालिका का नाम भी। और वसई विरार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत के लिए लेकर महानगर पालिका कई करोड़ों रुपये का खर्च करती है, तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, दूसरा सवाल कि जो अधिकारी कर्मचारी ये जनता के टैक्स के पैसे से ऐसी रूम में बैठकर वहाँ से ऑर्डर करते हैं, क्या उनको इन हालात को देखकर शर्म नहीं आनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी की बात कहें तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी वसई विरार महानगर पालिका चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत अभी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो ऐसे ऐसे कामों में व्यस्त है, हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम, बसों के उद्घाटन, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में व्यस्त है, लेकिन मूलभूत सुविधा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अब क्यों इन पॉलिटिकल पार्टियों को कोई बंदा वोट दे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी क्या है, 30 सालों से हमारे यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी का राज है। बहुजन विकास अघाड़ी आप खुद देखिए, यहाँ के नगर सेवक भी बहुजन विकास अघाड़ी के ही हैं, आप देखिए ये क्या हालत है। और बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष जो कि हमेशा मूक दर्शक रहता है, उस विपक्ष की क्या बात कही जाए अभी इस समय में। बहुजन विकास अघाड़ी कई उपक्रम कर रही है, नए नए बसों के उद्घाटन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं